Assalamu alaikum. My name is Mirza Zuhair Beg, and you are watching today about the cardiac diversity. And this one is so totally belong to the amphibians. Amphibians ke andar hum dekhenge ki nervous system and thermoregulation. Today our topic is the thermoregulation and the nervous system. So what do you say about the thermoregulation in amphibians? Amphibians ke andar thermoregulation se kya murad hai? थर्मोरेगुलेशन जो है वो बेसिकली एम्फीबियंस होते हैं वो एक्ट्रोथर्मिक होते हैं बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट होमियोथर्म्स और एक्ट्रोथर्म्स वो होते हैं जो एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी को एडजस्ट करते हैं दैट मीन के वो एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज इन द एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो बॉडी के अंदर भी चेंज आता है इनके तो ये ऐसे ही जानदारों को हम एक्ट्रोथर्म्स बोलते हैं बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल हीट सोर्स टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एम्फीबियंस इन वाटर पानी के अंदर जो पाए जाने वाले एम्फीबियंस होते हैं वो पुअरली इंसुलेटेड होते हैं और मतलब उसमें कोई इंसुलेटिव कवरिंग नहीं होती और उसकी उसके उसमें एक प्रॉब्लम ये बन जाता है कि इस तरह से हीट लॉस होने के चांसेस हैं मतलब बड़ी तेजी से हीट लॉस होगी क्योंकि वाटर जो है वो बड़ी अच्छी उसकी अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो हीट अब्जॉर्बर है इस वजह से जो है एम्फीबियंस को सबसे बड़ा खतरा ये है कि वहां पर वो हीट लॉस कर देते हैं सो when amphibians are in water they take on temperature of their environment so ye environment ke temperature ko accordingly apne adjust karte hain to iski wajah yahi hai ki ye heat loss karte hain amphibians on land jo zameen pe paaye jane wale amphibians hain unke andar agar dekhe to they are different from the aquatic amphibians because they can regulate their body temperature they can a little bit regulate their body temperature by developing the different behavioral adaptations so behavioral adaptations ki wajah se इनके अंदर ये चेंजेस देखने को मिलती हैं फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे एम्फीबियंस हैं जो अपने जो इन्वायरमेंट होता है उसको कूलिंग इन्वायरमेंट रखते हैं अगर टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा होता है तो इस सेंस में वो कूलिंग टेम्परेचर रखने के लिए अपनी बॉडी से हीट लॉस करते हैं इनके अंदर मुख्तलिफ तरह की अडॉप्टेशन हैं जो हाई और लो दोनों टेम्परेचर के हवाले से इनमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट अडॉप्टेशन एम्फीबियंस जो है वो मोस्टली नॉक्टर्नल है रात के वक्त बाहर आते हैं और अपनी जो बर्रोज होती हैं वो कूलर रखते हैं और दिन के ज्यादातर जो हॉटेस्ट पार्ट होता है उस पार्ट में ये बाहर नहीं आ रहे होते और इस तरह से अपनी बॉडी में हीट को कंजर्व करते हैं सेकेंड वन है बास्किंग का मैकेनिज्म है कि अक्सर होता है यूर की जब वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग जब सनराइज कर रहा होता है तो उस सनराइजिंग टाइम पीरियड के दौरान जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो जाकर मतलब लेट ऑन करते हैं और उसके ऊपर लेटने के बाद जो है उसकी हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी को वार्म करते हैं और बास्किंग करते हैं बास्किंग डायरेक्ट gaining of the sunlight heat so this is known as the basking ye body temperature jo hai wo takriban 10 degree celsius air ka jo temperature hota hai takriban 10 degree celsius temperature apni body ka badha sakte hain aur jab ye badhate hain to wahi body temperature ka badhna actually inke andar mukhtalif tarah ke metabolic reactions jo hai unko perform karwane mein helpful hote hain for example different digestive functions hain growth ke liye fat deposition ke liye necessary hota hai ki ye jo hai apni body ki heat ko jo hai कंजर्व करें चाहे इसके लिए इन्हें डॉर्मेंट रहना पड़े एम्फीबियंस जो है वो सीजनल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जो है वो वर्क करते हैं और कोशिश करते हैं कि काफ़ी हद तक काफ़ी रेंज तक जो है वो टॉलरेट कर सके मुख्तिक कंडीशंस में फॉर एग्जांपल द क्रिटिकल टेम्परेचर एक्सट्रीम्स फॉर सम सिलेंडर लाई बिटवीन 2 to 27 डिग्री सेल्सियस मतलब इतने लो टेम्परेचर दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक भी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं ये इनका क्रिटिकल टेम्परेचर है और जैसे कि एनुरांस हैं जैसे कि फ्रॉग और टोर्स हैं तो वो 3 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस तक अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं सो दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द रेगुलेशन बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ एम्फीबियंस What do you know about the nervous system and sensory functions, the sensory structures in case of amphibians? The nervous system of amphibians consists of many structures that are similar to other vertebrate. For example, the first one is called the brain that is divided into 3 layers, forebrain, midbrain, hindbrain. What do you know about forebrain? Forebrain that consists of olfactory lobes. Forebrain jo hota hai. फोरब्रेन जो है फोरब्रेन में देख लें तो वो ऑल्फैक्ट्री सेंटर है ऑल्फैक्शन में रोल प्ले करता है सेंस ऑफ स्मेल के वाले से काफ़ी हेल्पफुल है और कलर
चेंजेस के वाले से या विसरल जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन के वाले से ये फोर ब्रेन वर्क कर रहा होता है. सेकेंडली मिड ब्रेन है, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रेन इन केस ऑफ एम्फीबियन. इट कंसिस्ट ऑफ द ऑप्टिक टेक्टम. ऑप्टिक टेक्टम जो है दैट रिसीव्स द डिफरेंट सेंसी इंफॉर्मेशन एंड इनिशिएट्स द मोटर रिस्पॉन्सेज. सेंसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और मोटर न्यूरॉन्स मोटर रिस्पॉन्सेज को इनिशिएट करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ऑप्टिक टेक्टम, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन. और यही मेनली जो है विजुअल सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है ऑडिटरी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है उनको रिसीव करते हैं. नेक्स्ट वन है जी हाइंड ब्रेन इन केस ऑफ दिस डिफरेंट एम्फीबियंस. तो हाइंड ब्रेन जो है वो मोटर कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करता है इंसान में, खासतौर पर जो ब्रीदिंग रेट होता है, जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, रेस्पिरेशन होती है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है. सो दिस इज टोटली अबाउट द ब्रेन इन केस ऑफ एम्फीबियन. नाउ I am going to explain the sensory receptor. There are the multiple sensory receptors that are present on the body of the amphibians. For example, the first one is a sensory receptor, bare nerve endings. These are the nerve endings that are present on the skin of the amphibian. Or ye jo hai, ye heat, cold, pain, all kind of different sensations jo hai, unko response kar rahe hain. Very important system that is present in case of amphibian. This is known as the lateral line system. लेटरल लाइन सिस्टम इज जस्ट लाइक द सिमिलर टू द फिशेज. जैसे फिशेज के अंदर जो है वो उसकी आईज के बिल्कुल बिहाइंड, हेड के बिल्कुल बिहाइंड जो है वो लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट है, वैसे ही इनके अंदर भी अडल्ट में खासतौर पर जो है वो एम्फीबियंस के अंदर लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट है. और ये एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है जो इनमें मुख्तलिफ रोल प्ले करती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेटरल लाइन सिस्टम देखें तो वो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस में से जो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस होती हैं उनको रिसीव करता है. स्पेशली जो पानी के अंदर जो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं उनको सुनना बहुत ही जरूरी होता है. तो उसमें वाटर के अंदर लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को जो है उस हवाले से बॉडी को सेंसेशन देना, बॉडी को जो है वो आगाह करना, ये लेटरल लाइन सिस्टम और लेटरल लाइन ऑर्गन का काम होता है. लेकिन जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो कुछ ऐसे एम्फीबियंस भी होते हैं, बल्कि मोस्टली एम्फीबियंस जो है वो पानी में ज्यादा देर तक नहीं रहते बल्कि वो लैंड की तरफ मूव करते हैं. तो जब लैंड की तरफ मूव करते हैं तो उनमें भी जो है वो लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ तरह की जो है रोल कंट्रोल करता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फ्रॉग. A frog brain, it consists of the olfactory lobe, that is a part of the forebrain. The first, this is the cerebrum, also the largest region in case of the forebrain and the brain in case of amphibians. Behind this is the optic lobe to the cerebellum, that is a part of hindbrain that control the movement. And this is the small lobe known as the pituitary gland. Also present in case of this frog. So this is a leopard frog. ये leopard frog है और ये lateral line जो है ये अगर आप देखें, this is the lateral line that is present in this amphibian. So next one is the chemoreception. Third one जो है sensory reception जो है chemoreception है, chemicals को detect करना. For example chemicals को जो है वो एक amphibian जो है वो अपने mouth के through, अपनी tongue के through, खासतौर पे स्किन के थ्रू जो है वो डिटेक्ट करता है. और नेजल एपिथीलियम में भी खास तरह के कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. सो ऑल्फेक्शन में व्हाई दिस ऑर्गेनिज्म यूज द ऑल्फैक्ट्री सिस्टम या ऑल्फेक्शन जो है वो सेंस ऑफ स्मेल डेवलप करती है और स्मेल की मदद से ही अपने मेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, अपनी खुराक को जो है डिटेक्ट करते हैं. और अगर कोई टॉक्सिक फूड है, नॉक्शियस फूड है, केमिकल है, तो उसे अवे भी मूव करते हैं. द नेक्स्ट वन इज द वीएन इन केस ऑफ एम्फीबियन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंसरी स्ट्रक्चर. वीएन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस इन एम्फीबियंस. एमसीक्यू है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बिकॉज दे आर प्राइमरली साइड फीडर्स, क्योंकि मेनली ये डिपेंड करते हैं वीएन के ऊपर. सो मच ऑफ इट इज ट्रांसपेरेंट एंड इट इज कॉल्ड एज द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. इसमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो कि एक्चुअली क्लीनिंग ऑफ आई में काफी हद तक रोल प्ले करती है. जब आई बॉल जो है वो रिट्रैक्ट करता है, जब आई बॉल, दिस इज आई बॉल, एम्फीबियन के अंदर भी आई बॉल होता है, तो रिट्रैक्ट करता है इनटू द ऑर्बिट ऑफ स्कल, स्कल के ऑर्बिट के अंदर, तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो ड्रा अप ओवर द कॉर्निया, तो कॉर्निया के ऊपर वो जो है ड्रा कर ली जाती है, जिसकी वजह से बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल जो है वो अंदर आई के अंदर दाखिल नहीं होता. सो मतलब वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मूव करती है और इसके मूव करने से कॉर्निया जो है वो प्रॉपरली जो है वो लाइट्स ऊपर मूव कर जाता है. ऑर्बिटल ग्लैंड्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं, वो इसको लुब्रिकेट कर रहे होते हैं, आईज को उसको वॉश कर रहे होते हैं, आईलिड्स जो है वो डस्ट फ्री कर रहे होते हैं. द लेंस, इट इज द प्रोमिनेंट एरिया ऑफ द आई इन केस ऑफ द एम्फीबियंस. लेंस जो है अमूमन लार्ज होता है, राउंड शेप होता है, और ये हमेशा जो है
ये बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के बिल्कुल पीछे मौजूद है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो आयरिस प्रेजेंट है. आयरिस जो है वो डायलेट करती है और कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, और उस आयरिस के डायलेट करने से और कॉन्स्ट्रिक्ट करने से प्यूपिल का जो साइज है वो कंट्रोल किया जाता है टू ऑब्जर्व द डिस्टेंटली और नियरेस्ट मोस्ट ऑब्जेक्ट टू सी. सो दिस इज द नोन एज द लेंस इन केस ऑफ amphibians. So very importantly, I'm going to explain the foxing or accommodation. Foxing or accommodation ये है कि जो image जो light ray enter हो रही है, मतलब light बाहर से जो है जो भी image receive हो रहा है, light ray दाखिल हो रही है, तो वो focal point पे उस light ray को focus करना, eye की इस ability को हम बोलते हैं, this is known as a foxing or accommodation. That mean के जो light ray है उसको retina के ऊपर, image को retina के ऊपर जो focus करना foxing or accommodation कहलाता है. Light wave जो है सबसे पहले air को cross करती है, cornea में दाखिल होती है, cornea से refract होती है, और refract होने से उसकी density change होने की वजह से वो refract करती है, क्योंकि air और जो है जो जो आप कह सकते हैं आई इनर एनवायरनमेंट है उसका मीडिया डिफरेंट है, तो उसकी रिफ्रैक्शन होगी. तो लेंस प्रोवाइड फर्दर रिफ्रैक्शन, लेंस में से गुजरते हुए फर्दर उसे रिफ्रैक्शन फील होगी. देन एम्फीबियंस जो है वो डिस्टेंटली डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अमूमन देख सकते हैं जब रेस्ट में होते हैं, और नियरेस्ट मोस्ट ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं अपने प्रोटेक्टर लेंटिस मसल्स को फॉरवर्ड मूव करवा के लेंस को, यानी प्रोटेक्टर लेंटिस मसल्स की वजह से लेंस फॉरवर्ड मूव करेगा और जो करीब तरीन चीज़ है वो भी आसानी से देखी जा सकती है. रेटिना स्पेशली रेटिना इन केस ऑफ एम्फीबियन आई कंसिस्ट ऑफ द टू डिफरेंट सेल्स लाइट रॉड सेल दैट गिव द लाइट दैट गिव द वीएन इन ड्यूरिंग द लाइट एंड डार्क पीरियड, और कौन से होते हैं वो कलर वीएन देते हैं, मुख्तलिफ तरह के कलर्स जो हैं वो ये देख सकते हैं, जैसे हम भी मुख्तलिफ कलर्स देख सकते हैं, तो इनमें भी ये करेक्टर है. न्यूरल इंटरकनेक्शन इन रेटिना, रेटिना के अंदर एक खास न्यूरल इंटरकनेक्शन होता है जो एक्चुअली डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन द फ्लाइंग इंसेक्ट्स प्रे के एक प्रे जो है वो फ्लाई कर रहा है, उड़ा है, या जो है कोई शेडो बना हुआ है, या कोई प्रेडेटर इस तक पहुंच रहा है, इसके बिहाइंड से पिछली जाने बैकग्राउंड मूवमेंट जो है वो सारी मूवमेंट जो है वो इसको इसके न्यूरल इंटरकनेक्शन जो है रेटिना के अंदर देती है. और इवन के एक ब्लेड भी हिल रहा है, एक लीफ हिल रहा है, तो लीफ की वेव में से ये ना डर जाए, यानी ये मूव ना कर जाए, वहां से जंप ना कर दें, ये एक्चुअली इसी जो है न्यूरल इंटरकनेक्शन जो रेटिना के अंदर है वो कंट्रोल कर रहा होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई, यहाँ पर आप आई की स्ट्रक्चर देख सकते हैं एम्फीबियंस के अंदर. ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रीजन है ये स्क्लेरा है, स्ट्रक्चरल रीजन भी बोलते हैं इसको, रेटिना है देन, और रेटिना के ऊपर ये रेटिना रीजन है जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है. दिस इज द एक्वस, दिस इज द ह्यूमर रीजन, एंड ये जो है सामने बिल्कुल जो है कॉर्निया, कॉर्निया के बिल्कुल पीछे आयरिस है जो कि सराउंड कर रहा है इस प्यूपिल को, और देन प्यूपिल के बिहाइंड जो है वो एक्चुअली क्या मौजूद होता है, लेंस मौजूद होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्फीबियन आई. नेक्स्ट वन इज द ऑडिटरी सिस्टम, कैसे एम्फीबियन सुनते हैं, कैसे इनमें सुनने के वाले से अगर देखा जाए तो सबस्ट्रेट बोन और एयर बोन दो तरह की वाइब्रेशन फील करते हैं. इनके कान के तीन हिस्से हैं, पहला पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान का पर्दा जिसे ईयर ड्रम भी बोलते हैं, सेकेंड जो है मिडल ईयर है, और देन इनर ईयर है. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है मिडल ईयर को अमूमन एक्सटर्नल ईयर से अलग करती है, चूंकि इनमें प्रॉपरली एक्सटर्नल ईयर नहीं होते तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है. जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होती है तो इसका मैकेनिज्म क्या है, हाउ दे फील ऑडिशन, लाइक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो एयरबोर्न वाइब्रेशंस फील करती है, देन वो इस वाइब्रेशंस को मिडल ईयर तक पहुंचाया जाता है. मिडल ईयर जो है वहां पर मिडल ईयर जो है वो उसका चैम्बर होता है, चैम्बर बीनीथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और ये जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देन इस वाइब्रेट करती है, इसके वाइब्रेट करने से मिडल ईयर ऑसिकल जो है बोन्स तक ही पहुंचती है, जैसे कि वो स्टेप्स तक, और स्टेप्स जिसे स्टेप्स के कोलोमिलर रीजन जो है वो ट्रांसमिट करता है इस वाइब्रेशन को इनर ईयर तक. तो ये आ जाता है कि कैसे जो है मुख्तलिफ जो वेव्स हैं साउंड हैं वो रिसीव की जाती हैं. हेयरिंग ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी साउंड्स, मुख्तलिफ जो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हैं वो कैसे रिसीव करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी जैसे का 1000 टू 5000 हर्ट्ज़ जो है वो एयरबोर्न वाइब्रेशन जो है वो रिसीव करते हैं, और ये वाइब्रेशन ट्रांसमिट होती है इनर ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू. लेकिन लो फ्रीक्वेंसी जैसे 100 टू 1000 हर्ट्ज़ जो है वो सबस्ट्रेट बोन वाइब्रेशन है, और वो ट्रांसमिट होती है फ्रंट अपेंडिजेस से
देन बिल्कुल सामने वाले पैंडेजिस से, यानी वो ईयर से ट्रांसमिट नहीं होती, बल्कि वो ये जो पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल से इनर ईयर और इनर ईयर से सेकेंड ओसिकल और वहां से ऑपरगुलम और ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचता है कि कौन सी ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो है कौन पैदा कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में मेटिंग जो साउंड होती है, मेटिंग वोकलाइजेशन होती है, वो खास तौर पे देखी जाती है कि वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है। जैसे कि ब्रीडिंग सीजन में मेल जो है, मेल फ्रॉग जो है वो वोकलाइज करता है, और लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो खास तौर पे जब प्रीडेटर पहुंचता है उनके करीब, तो तब ये जो है वो मतलब ये कॉल करते हैं। दिस इज द टिम्पैनम, यहाँ से जो है वो साउंड एंटर होती है कोलुमेलस में, और कोलुमेला यहाँ से जो है ये बेसिकली मिडल ईयर है। मिडल ईयर के इस पार्ट से ये दो मुख्तलिफ डायरेक्शन से जा रही है। एक देखें, ये जो है ये पेक्टोरल गर्डल से 1000 हर्ट्ज वाली, और मतलब 1000 हर्ट्ज, और दूसरी जो है लोअर देन 1000 हर्ट्ज जो है वो यहाँ से एंटर हो रही है, जबकि ग्रेटर देन 1000 हर्ट्ज जो है वो दूसरी तरफ से एंटर हो रही है। दैट मीन कि वो एंटर हो रही है फ्रॉम द पेक्टोरल गर्डल रीजन। सो वहाँ से ये एंट्रीमेटी सारी इनर ईयर में जाती है, जो कि सेमी सर्कुलर किनाल्स यानी कॉकलिया पे मुश्किल होती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ह्यूमन आई में, ह्यूमन ईयर पे भी है। तो देन ये जो है मैसेज ऑप्टिक सॉरी ये जो मैसेज है देन ये ब्रेन तक पहुँचता है, और इस तरह से इसको रिस्पॉन्स किया जाता है। सो सेलेमेंडर जो है इनमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन नहीं होती, इनमें ईयर देखें तो मिडल ईयर और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन नहीं है। स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, केव्स, बीनीथ द लीफ लेटर ये इनमें प्रेजेंट है, कोई मीटिंग कॉल नहीं होती। और कहा जाता है कि शायद ये लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसमिट जरूर करते हैं, और वो ट्रांसमिशन जो है चूंकि ईयर प्रॉपर स्ट्रक्चर है ही नहीं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो इसमें फिर स्कल के साथ जो है सामने से आने वाली जो साउंड वेव्स है वो स्कल के साथ टकराती है, और स्कल से वो स्टेप्स के अंदर दाखिल होती है। स्टेप्स जो मिडल ईयर का की बोन है, और देन स्टेप्स से इनर ईयर में। सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑडिटरी सिस्टम इज रिलेटेड विद द इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ एम्फीबियंस। तो इनर ईयर जो है एम्फीबियंस का वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स में मुश्किल होता है, और जितनी भी रोटेशनल मूवमेंट है या सेंसरी जो ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करना है बॉडी का, जिसमें लीनियर एक्सेलरेशन है, डेसिलरेशन है, तो ये लीनियर एक्सेलरेशन और डेसिलरेशन जो है ये दोनों चीज़ें जो है इसके लिए सेंसरी पैचेस मौजूद हैं ईयर के अंदर, और वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही इसमें प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।